नमस्कार, मेरे पास आप में से बहुत से लोगों के मैसेज आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था उनका बच्चा स्कूल जाते समय रोता बहुत है तो क्या करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, स्कूल फोबिया एक शब्द होता है, यानी विद्यालय से डर लगना। और विद्यालय से डर कैसे लगता है? जाने अनजाने घर वाले ही बच्चे के मन में ये डर पैदा कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, बच्चा जो है चंचल मन का, बदमाशी करेगा ही, कुछ ना कुछ शैतानी करेगा ही। अब मम्मी उससे क्या कहती है? अच्छा, बहुत शैतानी कर रहे हो, अब देखो स्कूल जाओगे ना, मैडम बताएंगी वहां पे। मैडम जो है ऐसे शैतान बच्चों को तो बंद कर देती हैं कमरे में, आने नहीं देती हैं, तब मजा आएगी, फिर मम्मी मम्मी चिल्लाना। अब इस तरह की बातें हम उससे कर रहे हैं, अब बच्चा तो डर जा रहा है। फिर दूसरी मम्मी कैसी होती है, मेरे स्कूल में भी कई बार आती है ऐसे कि नया नया एडमिशन है बच्चे का, अब बच्चा तो है, छोटा सा बच्चा है, घर से दूर जा रहा है, वो तो रोएगा ही। अब बच्चा रो रहा है, उसके साथ उसकी मम्मी भी रो रही हैं और खूब रो रही हैं। मैडम, हम अपने बच्चे को कभी दूर नहीं किए, इसका ध्यान रखिएगा। अब मम्मी भी आंसू बहाती जा रही हैं, पता चला गले से लगा रही हैं। ठीक है बेटा, तुम रहना, हम आएंगे लेने, इस तरह की चीजें। बच्चे का भी एडमिशन हुआ नहीं है, अब घर पे बच्चे के सामने ही बातें हो रही हैं, है ना, कि मैं कैसे रहूंगी, ये 2 घंटे के लिए चला जाएगा, ये 3 घंटे के लिए चला जाएगा, मैं क्या करूंगी, है ना, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। अब नन्हा सा बच्चा वो देख रहा है मम्मी रो रही है, आखिर ऐसी कौन सी जगह मुझे भेजा जा रहा है। मतलब अब बच्चे के मन में तो स्कूल, डर, ये 2 चीजें हो गई। तो इस चीज को नहीं करना है, बच्चे के मन में स्कूल के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो उत्पन्न करना है। वो कैसे होगा? आपका बच्चा जब स्कूल जाने वाला है, नया एडमिशन करवा रही है आप उसका, आप उससे पहले उससे बातें कीजिए। पता है बेटा, स्कूल जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, वहां पे बहुत सारे खिलौने होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, सब नए नए दोस्त बनते हैं, वहां मैम बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखाती हैं, गाना सिखाती हैं, पढ़ना सिखाती हैं, और अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको बहुत प्यार करती हैं। और मैं छोटी थी तो मैं भी स्कूल जाती थी, पापा छोटे थे पापा स्कूल जाते थे, है ना। उनको इस तरह के उदाहरण देना कि देखो आज पापा ऑफिस जाते हैं ना, कैसे जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करी है, सब लोग स्कूल जाते हैं। तो बच्चे के मन में ये होगा, अच्छा स्कूल जाया जाता है, सब गए थे, स्कूल के प्रति जो डर है वो उसके मन में नहीं उत्पन्न होगा। अगर आपका बच्चा छोटा है, नया एडमिशन है बच्चे का, विशेष तौर से आप उसकी नींद का ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद ले, ये ना हो कि रात भर जग रहा है या देर तक जग रहा है, सुबह उसको नींद आ रही है, चिड़चिड़ापन है, ये चीज ना हो। और उसकी सुबह को थोड़ा आसान बनाइए। आसान कैसे बनाइए? होता क्या है भाई, मम्मी के पास भी बहुत सारे काम है, बच्चे को उठाना है, नहलाना है, खाना बनाना है, सबको देखना है, तो हड़बड़ी में क्या होता है, अरे बेटा ये करो, अरे बेटा, अरे अब तक इसने ड्रेस ही नहीं पहनी, मतलब इस तरह की चीजें बच्चे के ऊपर भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप क्या करिए, छोटा बच्चा है, आप उसको रात में ही नहला के सुला दीजिए, इतनी जल्दी गंदा नहीं होगा, या फिर जब स्कूल से आए आप उसको तब नहला दीजिए कुछ दिन, इस तरह करिए। उसका जूता पॉलिश करना, उसके कपड़े जो है प्रेस करके रखना, उसका बैग सेट करना, ये सब काम आप रात में कर लीजिए। इवन सब्जी काट के फ्रिज में रात में ही रख दीजिए, आपको ही आसानी होगी, ताकि बच्चा जब सुबह उठे आप उसे समय दे सके। विशेष तौर पे जब माँ जो है वो बच्चे के साथ जितनी अटैच होती है, माँ उसको समय देती है, चलो बेटा उठते हैं, अब तैयार होंगे, स्कूल चलेंगे, वहां पे चीजें सीखोगे, तो इस तरह की चीजें। शुरुआत में बच्चे के लंच बॉक्स में हमेशा उसकी पसंद की चीजें, कि अरे आपको तो बनाना बहुत पसंद है ना, मैंने बनाना दिया है, लंच में खा लेना। अब जब वो लंच बॉक्स अपना खोलेगा, है ना, आपने कहा अच्छा आपको डोसा अच्छा लगता है, आज मैंने वो दिया है, तो वो चीजें जब वो देखता है तो खुश हो जाता है। ऐसे ही स्कूल से जब लाते समय, जब अच्छे से हो गया, फिर से खुश होके एकदम, है ना, कि अरे आज तो बच्चा बहुत अच्छे से रहा, चलो आइसक्रीम खिला देते हैं। तो शुरुआत में कुछ इस तरह से, ताकि बच्चा वहां एडजस्ट हो जाए। और शुरू में बच्चे को छोड़ने और लाने आप स्वयं जाइए, इससे क्या होता है ना, बच्चा सिक्योर फील करता है। जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा बड़े लोग तो स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर चुके हैं छोटे में, तो आप अंदर जाके पढ़ो और हम गेट के बाहर बैठे हैं, बस यहीं पे बैठे हैं हम, तो बच्चा उससे सिक्योर फील करेगा कि हाँ मेरी मम्मी है यहीं पे। तो बाद में आप वैन लगाना है, रिक्शा लगाना है, जो कुछ भी, कुछ दिनों बाद फिर आप उसका लगाइए।
अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, छोटे बच्चे तो हम समझ गए, बच्चा बड़ा है फिर भी आनाकानी कर रहा है जाने में, अब क्या करें? तब आप कारण का पता कीजिए, किस कारण से नहीं जा रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप बच्चे के दोस्त बनेंगे, आप बच्चे से बातें एकदम फ्री होकर कीजिए। पता है बेटा, मेरे स्कूल में एक लड़का था, इतना मारता था मुझे, मैं तो उससे बहुत डरता था। लेकिन है ना, इस तरह से उससे हमने पूछा, या एक मैम थी, वो बहुत गुस्सा करती थी, मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आती थी। जब हम अपनी चीजें उनसे झूठ सही कैसे भी बना के शेयर करेंगे ना, हो सकता है तब बच्चा बताए कि हाँ, एक बच्चा है वो मुझे मारता है, बहुत परेशान करता है। कई बार होते हैं बच्चे बोल नहीं पाते हैं डर से। आप उनसे निकलवाइए, कोई हो सकता है कोई सब्जेक्ट उन्हें समझ ना आ रहा हो, मन ही नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, क्योंकि जब तक समस्या नहीं पता चलेगी तब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए। बच्चों को मजे से स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, खेलने भी दीजिए हमेशा। आप भी खुश रहिए, उन्हें भी खुश रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।